सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कबड्डी स्टार को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारे न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैच नंबर 32 के हाईलाइट्स के बारे में, जो कि हुआ था राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से बता देता हूँ कि मेरा जो प्रेडिक्शन है वापस सही निकल चुका है, मैच को राजस्थान रॉयल्स ने जीत लिया। तो आज बेसिकली हाईलाइट्स के बारे में कवर करूंगा। यार अगर वीडियो नहीं देखते हो मेरा तो यार शुरू कर दो, क्योंकि प्रेडिक्शन सही निकल रहा है। मुझे फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है रॉयल्स कैसे जीता, तो आज पूरा बता देता हूँ। ये बहुत ही मतलब लास्ट तक मैच गया, ऐसा मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा हुआ था पंजाब की बैटिंग। तो पूरा स्कोर कार्ड भी बताऊंगा और बताऊंगा क्या क्या गलतियां हुई है पंजाब और रॉयल से भी बहुत गलती हुई। जरूर रॉयल जीत गया बिकॉज ऑफ कार्तिक त्यागी, तो और पंजाब ने टॉस जीत के बॉलिंग किया। फिर राजस्थान का बैटिंग देखो, एवन ह्यूज ने 36 रन बनाए, यशस्वी ने 40 रन, बहुत अच्छा स्टार्ट था। संजू सैमसन 4 रन, लिविंगस्टोन 25 रन, लोमरोर 43, रियान पराग 4, राहुल तेवटिया 2 रन, मॉरिस 5, साकरिया 7 और राहुल कार्तिक त्यागी 1 पे नॉट आउट रहे। तो इन्होंने 185 में ऑल आउट हो गई, पर बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट हुआ था। मतलब इनका पावर प्ले में इतना चौका छक्का लगाया यशस्वी जायसवाल और हमारे लुइस ने, एवन लुइस। और बॉलिंग में देखो मोहम्मद शमी ने सबसे अच्छा बॉलिंग किया, 4 ओवर में 21 रन देके 3 विकेट लिया। तो ये रॉयल्स की पूरी बात है। अब बात करें पंजाब ने कैसे स्टार्ट किया। केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने बहुत अच्छा पार्टनरशिप किया। राहुल 49 रन में आउट हुए, मयंक अग्रवाल ने 67 के बहुत ही बेहतरीन पारी खेली। निकोलस ब्रिन 32, दीपक हुड्डा 0 और फैबियन एलन 0। तो यार इतना बढ़िया स्टार्ट मयंक अग्रवाल और केएल राहुल का हुआ था। उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान ने सबसे मतलब बॉलिंग देखोगे तो इनका पूरा देख लो तो कार्तिक त्यागी रहे हीरो ऑफ द मैच। क्या मैच हुआ था यार, मैं आपको बताता हूँ। मैं जब देख रहा था ना, तो जिस तरह से रॉयल्स का स्टार्ट हुआ था, मतलब दोनों बैट्समैन थे यशस्वी जायसवाल और एवन लुइस, इतना भयंकर स्टार्ट किया था। मतलब जो पावर प्ले का जो होता है ना, पूरा फायदा रॉयल्स ने उठाया था। तो रॉयल्स की जो स्टार्ट थी इतनी अच्छी थी, उसके बाद यशस्वी आउट हो गए, एवन लुइस पहले आउट हो गए, उसके बाद यशस्वी जायसवाल भी आउट हो गए और 185 रन में ऑल आउट हुई है हमारी राजस्थान रॉयल्स की टीम। फिर उसके बाद पंजाब किंग्स आए, तो इस पिच में तो डिफिकल्ट भी हो रहा था, क्योंकि जैसे सीएसके ने स्टार्ट किया था बहुत दिक्कत हुआ था। उसके बाद मुंबई सेकेंड इनिंग्स में जहाँ मैच जीता जाता है उसमें मुंबई ने कुछ नहीं कर पाया, मुंबई हारी थी। वही स्थिति हुआ है किंग्स इलेवन पंजाब के साथ, इतना अच्छा स्टार्ट और लगभग लग रहा था कि जीत ही जाएंगे पंजाब, पर लास्ट ओवर जो कार्तिक त्यागी ने किया ना यार, इतना बेहतरीन डॉट बॉल से भरा हुआ विकेट टेकिंग ओवर था वो, और कार्तिक त्यागी के कारण ही राजस्थान रॉयल्स जीता है। वरना तो कोई मतलब शक ही नहीं था पंजाब जीत जाता मैच एकदम इजीली। पर केएल राहुल से जब इंटरव्यू हुआ तो केएल राहुल ने बताया कि हमने गलती किया है, गलती तो पंजाब मतलब जीता हुआ मैच भी हार गया, मतलब कैसी किस्मत है मतलब। और राजस्थान रॉयल्स ने मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था राजस्थान रॉयल्स जीतेगा, मतलब किसी ने परफॉर्म नहीं किया सिवाय लुइस और यशस्वी जायसवाल बैटिंग में, और महिपाल लोमरोर की जो लास्ट में बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स थी। संजू सैमसन वही गलत शॉट खेल के आउट हो गए, तो सैमसन को अच्छा करना होगा रॉयल्स के लिए। और पंजाब के लिए केएल राहुल और मयंक अग्रवाल बस ये दो प्लेयर है जो अच्छा कर रहे हैं, और क्रिस गेल को तो मौका ही नहीं मिला। कर गेल अकल बर्थडे भी था पर क्रिस गेल जो इनको मौका नहीं मिला, उनकी जगह एलन मैलक्रम को रखा गया था किंग्स इलेवन पंजाब में। तो यार ये मैच का फुल हाइलाइट्स मैंने बता दिया, बहुत ही बेहतरीन पंजाब माफ कीजिए हमारे राजस्थान रॉयल्स जैसे भी जीते रॉयल्स, मतलब लगा नहीं कि लेकिन एक खाली प्लेयर कार्तिक त्यागी के कारण ही रॉयल जीता, ये रॉयल्स कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि ये मैच लगभग हार चुके थे। और फाइनल ओवर में जिस तरह विकेट गिरे, आदिल रशीद बैटिंग करने आए, दीपक हुड्डा भी आउट हो गए उस ओवर में, कुछ नहीं कर पाया हमारे पंजाब किंग्स की टीम। तो यार बहुत ही शर्मनाक हार है किंग्स इलेवन पंजाब के लिए। तो यार देखते अच्छा, आशा करते रिकवर करे पंजाब की टीम और मैचेस जीते, क्योंकि बहुत जरूरी है। रॉयल जरूर जीत गया पर इनके लिए भी अब डू और डाई की स्थिति बनी हुई है दोनों टीम के लिए, पंजाब हमारे पंजाब राजस्थान रॉयल्स और हमारे एसआरएच का मैच आज है, उसका वीडियो ही मैं एक घंटे बाद बनाने वाला हूँ, वो भी अच्छी तरह देखना मैच प्रेडिक्शन का। तो यार मैं मुझे लगता है मैंने सारे चीज कवर कर लिया है, तो फीलिंग वेरी सॉरी फॉर हमारे किंग्स पंजाब किंग्स, पंजाब किंग्स के लिए बहुत मतलब बुरा लग रहा है, क्योंकि जब टीम इतना अच्छा करता है केएल राहुल मयंक अग्रवाल हर मैच में अच्छा कर रहे हैं, हर मैच में देख लो दोनों प्लेयर के अलावा कोई मुझे बैटिंग में खास नहीं लग रही, दीपक हुड्डा ने एक दो मैच में जरूर खेला होगा। तो यार ये तो पूरा मैच का हाईलाइट्स रहा, प्रेडिक्शन का वीडियो आने वाला वो पूरा देख लेना। और फाइनली रॉयल्स ने मैच जीत लिया तो 2 रन से। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।